हेलो नमस्कार, नरेंद्र कुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है डीओ को और डीपीआई को। इनने बोला है कि स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को पुनः नियुक्त किया जाए, क्योंकि डीपीआई ने आदेश जारी किया गया जिससे अतिथि शिक्षक खासी नाराज है। जहाँ पर रिजल्ट कम आया है बच्चों का, उसमें अतिथि शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, पूरा नियमित शिक्षकों का दोष है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया इससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं और पूरे प्रदेश भरे में ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो क्या कहना है डीओ का अतिथि शिक्षकों को लेकर, और अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पा नमस्कार सर, आज जिला शिक्षा अधिकारी के पास में आपके संबंधित ज्ञापन लेके आए हैं। आज हम माननीय ब्लॉक अधिकारी के ऑफिस आए, हमने यहाँ पे देखा कि शिक्षकों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड परीक्षा के आधार पर शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। रिजल्ट बिगड़ा है किसी भी स्कूल का तो सभी के सहयोग से बिगड़ा, उसमें अतिथि शिक्षक कहाँ से उसका उत्तरदायी। लेकिन डीपीआई के माध्यम से एक आदेश निकला है कि जिस क्लास से, जिस कक्षा में, जिस विषय में रिजल्ट कम गया है उस कक्षा में, उस स्कूल में अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परमानेंट शिक्षक है, उसके विषय का भी तो रिजल्ट खराब हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन केवल एक अतिथि शिक्षक के ऊपर पूरा ठीकठाक खोल करके पूरा विभाग कार्यमुक्त होना चाहता, हम इसका विरोध करेंगे। माननीय तहसीलदार महोदय को भी हमने आज ज्ञापन दिया है, ब्लॉक डीओ साहब को भी हमने आज ज्ञापन दिया, अगर हमारी जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई हम प्रदेश स्तर पर फिर से आंदोलन करेंगे और इसका विरोध करेंगे। ठीक है सर।